आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। बॉलीवुड ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत जमानत अर्जी पर कल होगी सुनवाई। कॉमेडियन भारती सिंह को एनसीबी ने कल किया था गिरफ्तार। रात भर मैराथन पूछताछ के बाद आज मुंबई के किला कोर्ट में किया गया पेश। भारती के पति हर्ष को एनसीबी ने पूछताछ के बाद आज किया था अरेस्ट। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में किया गया था पेश। एनसीबी के मुताबिक भारती और हर्ष ने पूछताछ में गांजा पीना कबूल किया। भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों की एनसीबी दफ्तर के बाहर कटी रात। भारती सिंह के मैनेजर और स्टाफ से एनसीबी की पूछताछ। यूपी में हाथरस कांड के चारों आरोपियों का होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट। गुजरात में होगी जांच। अलीगढ़ जेल में बंद थे हाथरस कांड के चारों आरोपी। सभी को नार्को के लिए गांधीनगर लेकर गई सीबीआई की टीम। प्रतापगढ़ में दबंगों के से त्रस्त होकर आईटीआई के छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट पे गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया आरोप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के पास खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश में अवैध निर्माण पर सख्ती जारी। जबलपुर में अवैध निर्माण ढाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में 23 पेयजल परियोजना का किया वर्चुअल शिलान्यास। मिर्जापुर और सोनभद्र के ग्रामीण इलाकों में बिछेगी पाइपलाइन। सीएम योगी ने दी जानकारी। जल जीवन मिशन के तहत मिर्जापुर की 9 और सोनभद्र की 14 परियोजनाओं का आज हुआ शुभारंभ। मिर्जापुर और सोनभद्र के 295 गांव पाइप पेयजल परियोजना से जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान जनता से किया संवाद। पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, कोरोना काल में समस्याओं से निपटने में सीएम योगी और उनकी टीम ने किया बेजोड़ काम। 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, योगी सरकार में इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार के मरीजों की घटी है संख्या। दुनिया में हो रही है योगी सरकार के इस काम की चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में अटल भूजल योजना के तहत जलस्तर को बढ़ाने का हो रहा है सराहनीय काम। आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिलेगा बल। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, शुद्ध पानी से ग्रामीण अंचल पेयजल का संकट तो दूर होगा ही, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियों से मिलेगा छुटकारा। जल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी और शुद्ध पेयजल का मतलब बीमारियों का सर्वथा अंत। सीएम योगी आज जाएंगे विद्यावासिनी मंदिर, करेंगे पूजा अर्चना। प्रयागराज में हो रही है संघ की बैठक। सर संघ चालक मोहन भागवत और सह सर कार्यवाह भैयाजी जोशी समेत प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद। पहले दिन 5 सत्रों में बैठक। प्रयागराज में आज शाम संघ की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रात 8 बजे होगी योगी की रवानगी। बैठक के अलावा भी सीएम योगी मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से अलग अलग करेंगे संवाद। तमाम विषयों पर करेंगे मंथन। संघ के विचार गुरुमूर्ति ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। लीला पैलेस में हुई है बातचीत। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार। पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता। एक आतंकी को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सरहद पर दिखा ड्रोन, पाकिस्तान पर जासूसी का अंदेशा। भारतीय नौसेना ने थाईलैंड और सिंगापुर के साथ किया साझा युद्धाभ्यास। अंडमान के समंदर में पूरी की गई एक्सरसाइज। गया में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। एक नक्सली ढेर, 4 घायल। 205 कोबरा कमांडोज ने की कार्रवाई। मारे गए नक्सली के पास से एक AK-47 और एक इंसस राइफल बरामद। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में 111 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 5,879 केस। 6,963 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,23,117। अब तक 8,270 मौत। दिल्ली में 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने पर 1,306 लोगों के कटे चालान। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 51 लोगों ने भरा जुर्माना। दिल्ली में अब तक जरूरतमंदों को करीब 4 लाख से ज्यादा मास्क बांटे गए। देशभर में 24 घंटे में सामने आए हैं 45,209 केस। कुल आंकड़ा 91 लाख के करीब। देश में कोरोना से 24 घंटे में 501 लोगों की गई जान। अब तक 1,33,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में धीरे धीरे उठने लगा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 5,760 नए केस।
गुजरात में कर्फ्यू के बाद भी कोरोना के आंकड़ों में नहीं दिखी कमी, 24 घंटे में 1515 नए मामले। वडोदरा में तमाम सख्ती और हिदायत के बाद भी लोग लापरवाह, कई जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। लखनऊ में खुद को बीजेपी नेता बताने वाले एक शख्स ने समर्थकों के साथ दुकानदार से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद वारदात। दुकानदार से मारपीट पर बरपा हंगामा, लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर दो आरोपियों को लिया हिरासत में। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा पर गंभीर आरोप, ग्राहक ने लॉकर से 1 करोड़ के गहने गायब बताए, एफआईआर दर्ज। बांदा में एक शख्स ने एक अपनी साली की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, बाद में ट्रेन के आगे कूद कर की खुदकुशी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में हादसा, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने खड़ी कार में मारी टक्कर, दो लोग घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बेकाबू बस, कई यात्री घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती, उन्नाव के करीब हुआ हादसा। श्रीकाकुलम में आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी ऑटो से टकराई, सड़क से उतरकर खेतों में घुसी गाड़ी, हादसे में ऑटो सवार कुछ लोग घायल। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की हत्या, लापता पति पर मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मदुरई में कपड़े शोरूम में लगी आग, लाखों के नुकसान की खबर। अलवर में एक महिला की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, पति को किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया गया अंजाम। पुंछ में फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, रिहायशी इलाकों में दागे गोले, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने पुंछ के देगवार मालती डालने में दागे मोर्टार, देगवार में गोलीबारी में 2 नागरिक जख्मी हो गए। राजौरी के नौशेरा में भी सरहद पार से गोलीबारी, भारतीय सेना का करारा जवाब। नगरोटा में आतंकी साजिश पर पाकिस्तान का पैंतरा, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को किया गया समर्थन। नगरोटा में आतंकी साजिश को नाकाम करने वाले वीरों को अमित शाह का सलाम, बोले मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है सरहद। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की बिगड़ी हालत, वेंटिलेटर पर हैं गोगोई। तरुण गोगोई की सेहत पर गहलोत का ट्वीट, कहा भगवान उन्हें जल्दी ठीक करें। पंजाब में कृषि बिल पर किसानों का सीएम को फरमान, कहा जल्द नहीं निकला समाधान तो फिर होगा ट्रेन का चक्का जाम। सीएम के साथ बैठक के बाद किसान रेलवे ट्रैक से हटे, किसानों के मुद्दे पर पीएम से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कुंभ की तैयारियों पर हरिद्वार में हुई साधु संतों की बैठक, कोरोना के खतरे के बावजूद टेंट लगाने पर जोर। उत्तर भारत में तेजी से गिरने लगा है पारा, दिल्ली में आज 8 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। 14 सालों में शनिवार रहा नवंबर का सबसे ठंडा दिन, न्यूनतम तापमान 8.5 फीसदी दर्ज। सांस लेने लायक नहीं रही दिल्ली की हवा, AQI पहुंचा 251 पर। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ से रात के तापमान में हो सकता है मामूली इजाफा। सर्दी की सटीक जानकारी देगा डॉपलर रडार, कुफरी में पहला डॉपलर रडार स्थापित किया गया। गाजियाबाद के एक घर में मिली महिला की लाश, गले पर धारदार हथियार से वार के निशान। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में शौचालय के झगड़े में एक शख्स की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में हैरान करने वाली वारदात, एक टीचर ने महिला टीचर को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में अवैध संबंध में एक शख्स की हत्या, 4 गिरफ्तार। हमीरपुर में बेखौफ अपराधी सरीराह, एक शख्स को किया गया अगवा, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा में बदमाशों के पुलिस से मुठभेड़, इनामी बदमाश चढ़ा हत्थे, 2 फरार। दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ धरा गया नाइजीरियन शख्स, पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। पुणे में पुलिस ने 37 किलो गांजा किया जब्त, कीमत करीब 10 लाख रुपए। गुरुग्राम में कोरोना रिपोर्ट के फर्जीवाड़े का खुलासा, ऊंची कीमत लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने का चल रहा था खेल। मुरादाबाद में पुलिस ने 3 झपटमारों को दबोचा, 55,000 नकद और कई सोने की चेन बरामद। दिल्ली में पुलिस ने 6 घंटे में दबोचा झपटमारों को, 2 स्कूटी सवार बदमाश महिला से मोबाइल छीनकर हुए फरार। पंचकुला में सरेराह 14 लाख की लूट, कैंटर चालक से बंदूक की नोक पर लूट। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार, इनमें 2 बदमाश गोली लगने से हुए थे घायल। अलीगढ़ में एएमयू के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, नमाज पढ़कर लौट रहा था घर। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 शूटर को किया गिरफ्तार, नरेश त्यागी हत्याकांड से जुड़े दोनों के तार। और अब खबर विस्तार से आपको दिखा